वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड, वेलकम टू योर क्लास ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो मुझे लगता है कि आपने पिछले लेक्चर साथ साथ में सुने होंगे। अगर पहली बार यूट्यूब चैनल आपने हमारा विजिट किया है या पहली बार ये क्लास लगा रहे हो तो फटाफट से बेल आइकन पे क्लिक कर लो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज फंड्स डजंट बिलोंग टू द गवर्नमेंट। इनमें से कौन सी निधि सरकार की नहीं है, कौन सा फंड्स जो है वो गवर्नमेंट से बिलोंग नहीं करते। कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड्स, प्राइवेट अकाउंट्स या फिर पब्लिक अकाउंट्स। देखो, पब्लिक अकाउंट्स, कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड तीनों ही गवर्नमेंट के फंड्स हैं, बट प्राइवेट अकाउंट्स आर नॉट द फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। गवर्नमेंट अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट। कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट है कैपिटल अकाउंट, पब्लिक डेट, रेवेन्यू अकाउंट। पब्लिक डेट जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक रहती है बोरोइंग गवर्नमेंट ने जो की होती है और उसके रीपेमेंट्स, दूसरे रहते हैं जो गवर्नमेंट ने रिकवरीज होती है, लोन्स एंड एडवांसेस पेड बाय द गवर्नमेंट एंड द रिकवरीज। फिर जितने भी खर्चे हैं और जितनी भी इनकम है वो रेवेन्यू अकाउंट में आती है। और इनकम दो तरह की होती है, गवर्नमेंट की एक रेवेन्यू और एक टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है फीस से, फाइन से, पेनल्टीज से या जो सर्विसेज दी जाती है। टैक्स रेवेन्यू होता है जो इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया एंड ऑल। पब्लिक अकाउंट में रेमिटेंसेस आते हैं एंड वो डेट्स आते हैं जो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आप सबको पता है कि एग्जामिनेशंस जो है वो आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी आ रहे हैं, तो फटाफट जो है ना आप डेली इसकी प्रिपरेशन किया करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जो प्रीवियस पेपर में आए होते हैं या उसके बेसिस पे पेपर आ सकता है। तो इसीलिए क्लासेस ज्वाइन कर लो। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द गैडगिल फॉर्मूला कैन बी डन ऑन। गैडगिल फॉर्मूला जो है ना डॉक्टर डी आर गैडगिल के नाम पे पड़ा हुआ है। गैडगिल फॉर्मूला इज आफ्टर धनंजय रामचंद्र गैडगिल। ये एक सोशल साइंटिस्ट है और इंडियन प्लानिंग के फर्स्ट क्रिटिक है। इट वाज इन्वॉल्वड। गैडगिल फॉर्मूला कब बना था, 1969 में बना था। 1969 में ये फॉर्मूला किस चीज के लिए बना था, कि किस तरह से सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशनशिप्स होने चाहिए या इनमें किस तरह से असिस्टेंस जो है वो एलोकेट करनी है। मीन्स एक प्लान्ड वे में किस तरह से फंड्स का डिवीजन किया जाएगा सेंटर और स्टेट में, उसके लिए जो फॉर्मूला आया था दैट वाज गैडगिल फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को बोला जाता है गैडगिल फॉर्मूला। तो इट कैन बी डन ऑन द ग्रांट्स गिवन बाय द, जो प्लानिंग कमीशन, जो नीति आयोग बन गया हुआ है उसके द्वारा जो ग्रांट्स दी जाती थी उसके ऊपर अप्लाई किया जाता था। फोर्थ और फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया जीरो बेस्ड बजटिंग वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टरशिप ऑफ। कौन से फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे जिस टाइम पे जीरो बेस्ड बजटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये फोटोग्राफ उनका साथ में ही है, बिग्बी सिंह उनका नाम है। उस टाइम पे ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे जिस टाइम पे जीरो बेस बजटिंग को इम्प्लीमेंट किया गया था। अब ये देख लो पहले जीरो बेस बजटिंग क्या होती है। जीरो बेस बजट क्या था, कि मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज सारे ही स्क्रैच से जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी भी उनकी स्कीम्स हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए कि उसको फंडिंग मिले या उनको गवर्नमेंट असिस्टेंस मिले या उनके लिए फंड्स जो है वो अलॉट किए जाए, उसके लिए एक सेटिस्फैक्टरी जस्टिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करते थे। अगर नहीं मिलता था तो उनको जीरो एलोकेशन मिलता था। जीरो एलोकेशन जो है ना, इट मीन्स प्रायोरिटाइज द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। आपका प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए, कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम इन द प्लानिंग। अगर बहुत ज्यादा टाइम लग जाए प्लानिंग में तो उसको नहीं सिलेक्ट किया जाता था। इन एफिशिएंसीज को एलिमिनेट करना है एंड स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड अप एज ईच आइटम वर ड्यू। मतलब बिल्कुल ही स्क्रैच से पढ़ना। जीरो बेस बजटिंग का मतलब ये होता है, जब भी हम किसी चीज का, किसी स्कीम का, किसी पॉलिसी का, किसी प्रोडक्ट का, जब हम स्क्रैच से डिटर्मिनेशन करते हैं ना कि इस पूरे प्रोग्राम में जीरो से लेके बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं कि कितने पैसे लगेंगे, तो वो जीरो बेस बजटिंग होता है। नेक्स्ट इज, हाउ मच ऑफ द ग्लोबल जीडीपी डज द टूरिज्म सेक्टर अकाउंट फॉर। टूरिज्म सेक्टर में जीडीपी जो है, ग्लोबल जीडीपी जो है वो कितने परसेंट है। ग्लोबल जीडीपी की अगर हम बात करें ना तो वो 10% है। और इसी के साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है। देखो पूरे वर्ल्ड में जो मनाया जाता ना वो मनाया जाता है 27th of September को। 27th of September को रहता है वर्ल्ड का, इंडिया का होता है 25th of January को। हमारा इंडिया का जो नेशनल टूरिज्म डे है दैट इज ऑन द 25th of January, जिस दिन नेशनल वोटर्स डे भी रहता है। इसका थीम क्या था 2022 का, रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म वाज द थीम ऑफ द नेशनल टूरिज्म डे 2022। नेक्स्ट वी आर हैविंग द बोरिंग्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज आर नोन एज। अब जो बाहर वाले देशों से हम लोग बोरिंग्स करते हैं उसका क्या नाम क्या है उसका, ठीक है। देखो
बजट से ये क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बजट से। गवर्नमेंट बजट दो तरह का होता है ना, एक रेवेन्यू बजट होता है, एक कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट होती है टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, मैंने आपको समझाया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है प्लान एंड नॉन प्लान। अब बचाना भी कोई नेचुरल क्लेमिटी आ जाए तो फिर वो नॉन प्लान रहेगा ना, जैसे कोविड वॉज द नॉन प्लान। कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी प्लान और नॉन प्लान होता है। बट जो हम फॉरेन कंट्री से बोरिंग करते हैं उसका क्या नाम होता है, वो क्या होती है? देखो, बोरिंग्स आर द पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट लेड्स टू इंक्रीज इन द लाइबिलिटी, जिस वजह से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो, या मतलब इम्पैक्ट रहे आपका, इम्पैक्ट ऑन एसेट एंड लाइबिलिटी। एसेट और लाइबिलिटी पे अगर कोई इम्पैक्ट रहता है ना, तो वो हमारे लिए रहता है कैपिटल बजट। अगर हम रिसीट्स की बात करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, एसेट कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने कुछ काइंड ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के स्टेक बेच दिए, तो एसेट गवर्नमेंट का कम हो गया ना, तो पैसे अपने पास आ गए, बट इट इज अ कैपिटल रिसीट। ठीक है, लोन लिया वो भी कैपिटल रिसीट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसकी वजह से एसेट बिल्डअप हो। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंस के ऊपर खर्चा होता है और लाइबिलिटी कम होती है, अगर रीपेमेंट कर दी लोन्स की तो एक्सपेंडिचर तो हो गई होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। रेवेन्यू वो होता है विच हैज नो इम्पैक्ट ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, विच बेयर्स नो इम्पैक्ट ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटी। एसेट्स और लाइबिलिटीज पे किसी भी तरह का कोई भी इम्पैक्ट इसमें नहीं आता। ठीक है, साइबर ग्राम की बात करते हैं। व्हाट इज साइबर ग्राम? एम्स टू इम्पैक्ट द डिजिटल लिटरेसी टू द स्टूडेंट्स ऑफ मद्रास एंड गवर्नमेंट स्कूल्स इन आइडेंटिफाइड माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरियाज इज अ प्रोग्राम टू फैसिलिटेट द डिजिटल कनेक्टिविटी टू ग्राम पंचायत थ्रू द डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल। ये थोड़ा सा साइबर ग्राम जो रिलेटेड है ना, दैट इज रिलेटेड विद एजुकेशन, तो ये गलत है ऑप्शन। इट इज अ मॉडल विलेज अंडरटेकिंग आईसीटी एक्टिविटीज टू एनकरेज द डिजिटल लिटरेसी इन स्टूडेंट्स ऑफ रूरल एरियाज एंड एम्स टू एनहांस द डिजिटल लिटरेसी ऑफ ग्राम पंचायत फंक्शनरीज। ये भी नहीं है। पहले साइबर ग्राम के बारे में पढ़ लो। साइबर ग्राम योजना जो है ना, डिजिटल लिटरेसी के लिए चलाई गई है। किसके अंडर आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर। यहाँ पे ये है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चा है ना, उनको डिजिटल लिटरेट करना, उनको कंप्यूटर्स चलाने सिखाने हैं, डिजिटल डिवाइसेस चलाने सिखाने हैं, डिजिटल मीडिया के थ्रू हम लोग उनके तक एजुकेशन पहुंचाए। जैसे पीडीएफ फॉर्म्स, टॉपिक्स मिल जाते हैं बच्चों को, असाइनमेंट्स मिल जाती हैं। ये डिजिटल लाइब्रेरी भी इसी पर्पज के लिए बनाई गई है। तो आईसीटी स्किल्स को ज्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज में माइनॉरिटी कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन बढ़े, उसके लिए साइबर ग्राम योजना जो है वो स्टार्ट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसमें इंक्लूडेड है। सो इसमें ये तो है कि डिजिटल लिटरेसी का काम है, बट यहाँ पे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का काम है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, साइबर ग्राम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज ब्लैंक हैज डेवलप्ड द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स UHCI टू मेजर द प्रोग्रेस मेड इन द हेल्थ सेक्टर इन द सिलेक्टेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की कंट्रीज में हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स बनाया गया। किसने बनाया? वर्ल्ड बैंक ने बनाया। किसने बनाया? वर्ल्ड बैंक ने। बड़ी बार में करवा चुकी हूँ वर्ल्ड बैंक प्रीवियस लेक्चर्स में। 1944 में बना था, ब्रेटन वुड्स ट्विंस है। आईबीआरडी आईडीए मिलके वर्ल्ड बैंक बनाते हैं एंड रेस्ट आर द वर्ल्ड बैंक मेंबर ग्रुप्स। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब ये है हर पर्सन के पास हेल्थ सैनिटेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, हेल्थ वर्कर्स की अवेलेबिलिटी रहे, सेफ ट्रीटमेंट मिले, मेडिसिन और वैक्सीनेशन का अवेलेबिलिटी हो हर जगह पे, एवरीवेयर व्हेन एंड वेयर दे नीड देम, एंड विदाउट फेसिंग एनी फाइनेंशियल हार्डशिप, मतलब नॉमिनल चार्जेस पे मिलना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की अगर हम बात कर ले तो आईबीआरडी 1944 में बना था और इंडिया इसका मेंबर है, हम इसके मेंबर हैं। आईडीए 1960 में बना था, आईएफसी 1956 में बना था, मेगा 1988 में बना था। वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द आईसीएसआईडी जो 1966 में बना। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, मैंने पिछले वाले में करवाया है पिछले लेक्चर्स में। नेक्स्ट इज नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड यानी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड इज अ पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग ई कोर्ट्स इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट, या विल आल्सो कवर द केसेस रिलेटिंग टू द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। दोनों आंसर इसके बिल्कुल ठीक है, आपको याद होना चाहिए, याद कर लो। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जो है वो ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड का पार्ट है और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को ये कवर करता है। अब एक बार देख लो, ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है क्या?
1 जनवरी 2016 को करीब करीब 2.7 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट में. ऐसे में 43% केसेस ऐसे जो पिछले 2 सालों से जिनकी सुनवाई नहीं हुई. तो क्या किया गया, ई कोर्ट्स बनाई गई है जहाँ पे ई सर्विसेज दी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज थ्रू द डिजिटल मोड और कंप्यूटराइजेशन. इसको हम नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड बोलते हैं. मतलब नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के दो पार्ट्स हैं, कंप्यूटराइजेशन और ई सर्विसेज. नेक्स्ट इज मेक द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को चिन्हित करें. Rupee was the historical link with British pound sterling in 1848. Yeah, India de-linked rupee from British pound. British pound से linkage थी ये ठीक है. 1848 में नहीं थी, 1975 में de-linkage हुई, ये बिल्कुल सही बात है. Right answer is option number B. 1992-1993 में move to fixed currency regime ऐसा कुछ नहीं है. 1991 में तो all of the above are correct, ये भी गलत है. Right answer is option number B. Next is which kind of economy is exhibited by India? India के द्वारा कौन सी किस तरह की economy है? हम socialistic है, गांधीयन है, mixed है या free है? Socialistic model हमारा था independence से पहले, पर अब हमारा change हो चुका है. We are in the mixed economy. हम किस economy में रह रहे हैं? We are in the mixed economy. See, हमने mixed economy का path क्यों चुना? अगर हम लोग कैपिटलिस्ट, हम लोगों के मतलब इंडिया में पुअर आबादी, मतलब इस टाइम पे उस टाइम पे पुअर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी. अगर हम इंडिया कैपिटलिस्ट मॉडल चुनते, कैपिटलिस्ट मॉडल तो भाई ऐसा मॉडल है जहाँ पे गुड्स बनाई जाती है प्रॉफिट पर्पसेस के लिए, इन्वेस्टमेंट होती है प्रॉफिट पर्पसेस के लिए. तो पुअर पीपल ने निगलेक्ट हो जाना था, रिच पीपल मीन्स द पर्सन हु कैन पे, जिनकी परचेजिंग पावर है, जो पे कर सकते हैं उनके लिए काम होना था, उनको प्रोडक्ट्स मिलने थे, बाकी उनको नहीं मिलने थे. तो डिवाइड, इकोनॉमिक डिवाइड बहुत ज्यादा बढ़ जाना था. मतलब रिच विल गेट रिच, पुअर विल गेट पुअर. अगर हम सोशलिस्ट होते, एवरीबॉडी इज अंडर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते तो आपको पता है इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, बहुत ज्यादा होनी थी. फार्म लैंड एग्रीकल्चर तक जो है वो गवर्नमेंट के अंडर चले जाना था. तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी इसलिए चुना ताकि हमें कैपिटलिस्टिक की इन्वेस्टमेंट मिले, मतलब अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए, और सोशलिस्ट इसलिए चुना क्योंकि कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट के अंदर भी होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इट मेंशन्ड दैट इंडिया विल बी मिक्स्ड इकोनॉमी. जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था ना 1948 का, उसमें कहा गया था कि हमारे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा, पब्लिक सेक्टर भी रहेगा. 1948 की एक ऐसी पॉलिसी है जहां पे इंडस्ट्रीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक वो जिसमें स्टेट की मोनोपोली होगी, एक वो जिसमें गवर्नमेंट भी होगी प्राइवेट सेक्टर भी होगा, एक वो जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, एक वो जिसमें सिर्फ प्राइवेट रहेगा. मतलब इधर गवर्नमेंट, इधर प्राइवेट, इधर गवर्नमेंट प्राइवेट, इधर स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, पिछले लेक्चर्स आप देखोगे ना उसमें पूरा डिटेल में हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी करा हुआ है, 1948, 1946, 1999 सारी पॉलिसीज करी, 1991. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में लिखा गया है कि इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी को लेकर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है. स्टेट प्रमोट्स बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इक्वली, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट इन इकोनॉमी, देयर इज इंपॉर्टेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अलॉन्ग विद हेवी इंडस्ट्रीज, या इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन रूलर्स. मिक्स्ड इकोनॉमी तो ये होता है प्राइवेट और पब्लिक दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑब्वियस है चारों ऑप्शंस ठीक नहीं है. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. कई बार हमें कंसेप्ट क्लैरिटी का बताओ ना, कंसेप्ट का ही बताओ आंसर सॉल्व हो जाता. अब मिक्स्ड इकोनॉमी देखो, फेडरल गवर्नमेंट्स कैन सेफगार्ड द पीपल एंड मार्केट्स एंड द गवर्नमेंट हैज लार्ज रोल इन प्रमोटिंग द इंटरनेशनल ट्रेड. देखो पुअर पीपल को डील करेगी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि उसको ये होता है कि वेलफेयर के लिए काम करना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उन्होंने देखना है, डिफेंस उन्होंने देखना है, इंटरनेशनल ट्रेड उन्होंने देखना. प्राइवेट सेक्टर किस चीज के लिए काम करते हैं कि हम लोगों को एफिशिएंसी प्रमोट करनी है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए नए नए इनोवेशन करते हैं. तो मार्केट इकोनॉमी यानी कैपिटलिस्टिक is private property, supply or demand, market forces ki sabse price determine hota hai, self interest se chalti hai. Command economy is socialist economy, yahan pe government dekhta sab kuch. Theek hai, next is self reliance and economic context implies that a country, country ke context mein self implies ka matlab kya, jaisa hamare bharat mein to atmanirbhar program chal raha hai, has sufficient foreign exchange reserves to buy all its needs and export some of its goods but does not need to import anything. To dono cheeze jo hai that is self reliant, theek hai na. आत्मनिर्भर की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया हुआ है, 5 पिलर्स हैं उसके, ये हमें पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. फर्स्ट इज इकोनॉमी, सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड इज सिस्टम यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होनी चाहिए, फोर्थ इज डेमोग्राफी, सबके लोकतांत्रिक अधिकार जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, और नेक्स्ट इज डिमांड यानी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई.
इसके लिए सप्लाई चेन पे फोकस करा गया, एग्रीकल्चर पे, टैक्सेशन सिस्टम पे फोकस करा गया, लॉज पे भी फोकस करा गया, ह्यूमन रिसोर्स को कैपेबल बनाना यानी स्किल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल सिस्टम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यानी कैपिटल मार्केट भी स्ट्रॉन्ग हो, मनी मार्केट भी स्ट्रॉन्ग हो. नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. मींस इंडिया के ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? एक्सटर्नल बोरिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एस्टैब्लिशिंग इंडियन बिजनेस यूनिट्स अब्रॉड. हाँ, कुछ कुछ ऐसा है कि हमारे इंडिया का काम जो है वो बाहर जाए. Having minimum possible restrictions on economic relationship with other countries. अगर हम third point देखें, देखो पहला तो बिल्कुल मैच नहीं करता, second match करता है, third वाले में ये है कि कम से कम restrictions लगाओ बाकी countries के साथ trade करने के लिए. तो then फिर goods का trade भी होगा, services का trade भी होगा, मतलब you can mobilize the business houses, you can mobilize the labor. You can take the advantage of the international study, यानी कि students जो हैं वो भी जा सकते हैं, international investment हो सकता है, FDI भी हो सकता है. तो every element is covering the situation in option number C. Next is giving up the programs of import substitution. ऐसा कुछ भी नहीं है, तो right answer is option number C. अगर paper में कभी भी nearest options बहुत ज्यादा आए तो हमने वो option select करना which covers all the elements. नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडिया इकोनॉमी. इंडिया की इकोनॉमी को एग्रीकल्चर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कॉन्स्टेंट रह रहा है, या इनमें से कोई भी आंसर नहीं है. अब धीरे धीरे तो सर्विसेज सेक्टर का इंक्रीज हो रहा है, सर्विसेज सेक्टर का ज्यादा है, इंडस्ट्री का उससे कम है. सर्विसेज सेक्टर का इंडस्ट्री से ज्यादा है और इंडस्ट्री का एग्रीकल्चर से ज्यादा है. धीरे धीरे एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है. दैट इज वाई अवर इकोनॉमी इज नॉन एज डुअल इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर वॉज नॉट फुली डेवलप्ड एंड इंडस्ट्री इज वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंडिकेट दैट द इंडियन इकोनॉमी इज ऑफ द डेवलपिंग कंट्री. किन फीचर्स से पता लगता है अगर किसी कंट्री को डेवलपिंग कहना हो या इंडिया को डेवलपिंग कहना हो तो क्यों होगा? ओवर पॉपुलेशन है, लिटरेसी रेट कम है, पॉवर्टी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी, करप्शन है, इनोवेशन है, डेवलपमेंट कम है. तो हमारे यहाँ पे ज्यादातर एग्रीडियन इकोनॉमी है, लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, बाकी दो इंडस्ट्रीज जो है उसमें कम जाते हैं. तो वी आर एट द राइट पॉइंट, इस वजह से हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग है. क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसका मतलब ये है कि क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट का स्टैंडर्ड बता देती हूँ, 27 वीक्स, ऑलमोस्ट 4 वीक्स रहता है ना एक महीने में, 4 मंथ, 3.5 महीने के आसपास, 8.5 महीने के आसपास, 4, 7, 28, 6.5 महीने के आसपास अगर बंदा अनएम्प्लॉयड रहे तो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट होती है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. दादाभाई नौरोजी थ्योराइज्ड ऑन द ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया. ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया इन्हीं का कहना था. इंडियन जो वो है ना ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के रूल का हमारे इंडियन इकोनॉमी पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, किस तरह से उन्होंने हमारे इंडिया को खाया, किस तरह से डोमिनेट करा, डेप्रिशिएट करा, हमारी इकोनॉमी क्यों स्टेग्नेंट हो गई, अंडर डेवलप्ड हो गई, उसके लिए जो बुक बनी थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ डिफाइन करा था कि इन्होंने दादाभाई नौरोजी ने. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन इकोनॉमी इज करेक्ट. इंडियन इकोनॉमी को लेकर कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? इंडियन इकोनॉमी चाइना की तरह डेवलप्ड है, ये गलत है. 70% ऑफ इंडियंस आर इन्वॉल्वड इन सम टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑनर्स ऑफ सम अदर और माइक्रो स्मॉल. इन इंडिया सिंगल बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट इज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज एंड 48% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन फॉरेन कंट्रीज. हमारी जीडीपी में चाहे शेयर सर्विसेज डिपार्टमेंट का ज्यादा है बट स्टिल एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयड रहते हैं. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर. Decreasing order पूछा, increasing नहीं पूछा. Contribution of different sectors in GDP. GDP में agriculture correct sequence in the decreasing order of contribution of different sectors in the gross domestic product of the India. सबसे कम agriculture का, फिर industry का, फिर services का. तो अगर यहाँ increasing हो जाए ना तो फिर हमारा right answer बनता option number A. सबसे ज्यादा services का, फिर industry का, फिर decreasing order. हाँ, ये highest, ये next highest, ये next lowest. Right answer is option number A. Which is the slack season in the Indian economy? Indian economy में slack season किसको बोला जाता है? Slack season जो होता है ना वो शुरू होता है जनवरी, खत्म होता है जून. That is known as slack season in terms of the economics. ठीक है? So आज का lecture यहीं पे खत्म करते हैं. कल मिलेंगे day 12 पे. बहुत सारे एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. आप एसएससी के एग्जामिनेशंस देखो, जल्दी जल्दी उसके एग्जामिनेशंस आ रहे हैं, तो फटाफट इकोनॉमिक्स जो है उसको प्रिपेयर करने के लिए आप ये बैच जो है वो ज्वाइन कर लो रात को 10 बजे. डेली इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस किया करो. हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.